हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे जो हमारा हैवी साइज़ होता है, डबल एक्सेल साइज़, उसकी ये देखिए मैंने कुर्ती कटिंग की है। यहाँ पे मैंने निशान लगा के इसको पहले से ही कट कर लिया है। आज मैं आपको यहाँ पे जो हैवी साइज़ होता है हमारा, उसमें डार्ट्स या प्लेट्स डालना बताऊँगी कि हम उसमें कैसे अपनी प्लेट्स डालते हैं और उसको कैसे स्टिच करते हैं। मैं आपको एक बार और निशान लगा के बताऊँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया है अपना 7 इंच, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। और उसके बाद हमने अपने आर्म होल की विड्थ ली है, जहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से लिया मैंने 6.5 इंच, लेकिन मैंने ऊपर से 7 इंच लिया है और फिर इसकी शेप दी है। उसके बाद हमने अपनी कमर की लेंथ ली है यहाँ पे 15.5 इंच। 15.5 इंच गाइज इसलिए ली है क्योंकि हमारा हैवी साइज़ है और यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट होती है जो हैवी होती है, और इसलिए मैंने यहाँ पे 15.5 इंच लिया है, जिससे कि हमारी कमर की फ़िटिंग यहाँ पे अच्छी आती है। और यहाँ पे हमने अपनी हिप ली है 23 इंच पे। 23 इंच का रीज़न वही है कि यहाँ पे हमारा हैवी साइज़ है, और इन निशानों को हमने ऐसे यहाँ पे सीधा कर दिया है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे हमने जो अपने डार्ट्स है उसकी लंबाई ली है यहाँ पे 12 इंच, जहाँ से हमारी सेंटर वाली डार्ट्स स्टार्ट होगी वो हमने 12 इंच पे निशान लगाया है। और हमारी डार्ट्स की जो लंबाई है वो हमने 7 इंच ली है यहाँ पे, देखिए 7 इंच है। और अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे, और ये जो मेरी डार्ट्स का सेंटर आ रहा है गाइज़ यहाँ पे, देखिए हमारी कमर का जो हम निशान लगाया है वो हमारी डार्ट्स का सेंटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3.5 इंच। और डार्ट्स की चौड़ाई ली है यहाँ पे हमने, यानी विड्थ ली है हमने 4 इंच। नॉर्मली हम 3 इंच या 3.5 इंच रखते हैं, और ये जो हमारी साइड वाली डार्ट्स है उसका गैप हम गाइज़ यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। नॉर्मली गैप हम रखते हैं 2 इंच या 2.5 इंच, यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे, लेकिन हम अपनी साइड वाली जो अपनी डार्ट्स है वो जो हमने निशान लगाया है अपनी डार्ट्स का उसके बिल्कुल सामने जाएगी। और ये जो साइड वाली है आर्म होल वाली वो इसके देखिए ऐसे त्रिकोणा सेंटर में जाएगी बिल्कुल, और ये जो साइड वाली है उसको ऐसे 3 इंच पे कट करेगी। और ये जो हमारे आर्म होल का यहाँ पर सेंटर बन रहा है यहाँ पर, उसको इसी डायरेक्शन में हम सीधा करेंगे। और ये जो हमारी साइड वाली डार्ट्स है इसकी लंबाई जाएगी हमारी कमर से 2 इंच नीचे की तरफ, और इसको हम देखिए यहाँ पे ऐसे सीधा कर देंगे। ये हमारी डार्ट्स के निशान यहाँ पे कंप्लीट हो गए गाइज। ये देखिए हमारा गैप यहाँ पे 3 इंच है, और ये जो हमारी साइड वाली आर्म होल वाली है उसका भी गैप यहाँ पे 3 इंच है। उसके बाद हम अपनी कुर्ती को यहाँ पर ऐसे ओवरलैप करके रखेंगे और उसको हल्का प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे ये निशान सेम दूसरी तरफ भी आ जाएं। और उन निशानों को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊंगी कि हमारी प्लेट्स हम कैसे डालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गाइस हम अपनी पहले सेंटर वाली डार्ट्स को स्टिच करेंगे। ये जो मेरी डार्ट्स है यहाँ पे, ये देखिए मेरा सेंटर है यहाँ पे 3.5 इंच, क्योंकि हमने अपनी डार्ट्स की लंबाई ली है यहाँ पे 7 इंच, तो उसका सेंटर आ जाएगा 3.5 इंच। और इसको देखिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर से हम इसको देखिए सेंटर से ऐसे स्टिच करेंगे। जैसे मैंने निशान लगाया है गाइस, हम इसको स्टिच भी इसी डायरेक्शन में करेंगे। हम यहाँ पर इसको ऐसे सीधा पकड़ लेंगे, और बिल्कुल यहाँ पर जो किनारा है हमारा, मतलब तो जहाँ से हमारी डार्ट स्टार्ट हो रही है, हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे इसको स्टिच करेंगे। और इसको स्टिच करने से पहले गाइज ये देखिए जो मेरा धागा है उसको आप हल्का बाहर की तरफ रखें, जिससे हमारी डार्ट्स मतलब सिलाई हमारी उधड़ने का डर नहीं रहता। और ये जो जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया था वैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे, बिल्कुल पास से कट नहीं करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी डार्ट्स यहाँ पे ऐसे स्टिच हुई है जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया था। और जो मेरी साइड वाली डार्ट्स है यहाँ पे, मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि हम उसमें कितना मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हल्का हम 0.2 का मार्जिन लेंगे, ये जो हमारे इंची टेप में पॉइंट होते हैं इंच में, हम सिर्फ वो 2 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे, और 0.2 का मार्जिन हम बिल्कुल इक्वली रखेंगे। इसमें जैसे हमने फ्रंट वाली डार्ट्स में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, हम इसमें ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये डार्ट्स हमारी नॉर्मली
पॉइंट्स पे स्टिच होती हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का 0.2 का मार्जिन लिया है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारी दो डार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। और ऐसे ही जो हमारी आर्म होल वाली डार्ट्स हैं मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि उसमें भी हम सेम मार्जिन रखेंगे जैसे मैंने साइड वाली उसमें मार्जिन रखा था। और ये देखिए ऐसे ही हम इसमें मार्जिन रखेंगे। गाइज आप ध्यान दें, जो हमारी सेंटर वाली डार्ट्स होती हैं हम उसमें ही ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, जो हमारी नॉर्मल है उसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते, बस उसमें 0.2 पे हम सिलाई लगाते हैं। आप देखिए हमारी ये डार्ट्स बिल्कुल ऊपर की तरफ उभर कर आई हैं जो कि फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई हैं। गाइज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज अगर आपके कोई डाउट्स हों तो एनी टाइम प्लीज़ कमेंट मी। और जो हमारी दूसरे वाली डार्ट्स है, जो हमने दूसरे वाले डार्ट्स यहाँ पे स्टिच निशान लगाए थे अपने, हम उनको भी स्टिच कर देंगे। ओके, हमारी कुर्ती यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, हमारी डार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और अगर आपने हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।